मात्र 17 साल के हैदराबाद के सिद्धार्थ मंडल ने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी प्राउड फील होगा। गाइस, सिद्धार्थ ने एक चप्पल बनाई है जिसे उसने इलेक्ट्रो शू का नाम दिया है। उसके मुताबिक इस चप्पल के थ्रू हमारे देश की बेटियों को रेप जैसे गुनाह से बचाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उस चप्पल में कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो भी लड़की उसे पहनेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसके घर वालों को आसानी से मिल सकती है। नंबर दो, उस चप्पल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो भी लड़की को छूने की कोशिश करेगा उसे करंट लगेगा, उसके बाद उस गुनहगार को पकड़ा जा सकता है। और नंबर तीन, ये चप्पल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होगी। है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आपको सिद्धार्थ की इस चप्पल का आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका पूरा का पूरा मुंह लार से भर जाता है। कभी गौर करके देखना। पर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो लार होती है ना, वो क्षारी यानी बेसिक नेचर की होती है, और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उल्टी के साथ साथ पेट से खतरनाक एसिड भी मुंह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपके मुंह को बचाने के लिए वो लार पैदा होती है। और उसके अलावा लार 30 से 35 सेकंड पहले पैदा होती है, वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपको उल्टी आ सकती है ना अमेजिंग फैक्ट। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।